गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको रिवीजन एक्सरसाइज 1 करवाने वाली हूँ। वर्ड पावर में देखिए, मैच द कॉलम, इसमें बैट लिखा हुआ है, BET बैट, इसको थर्ड नंबर वाले से मैच करना है। एंड आर्ग्यूमेंट एंड एग्रीमेंट टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ अ रेस गेम एंड कॉम्पिटिशन इट्स एक्स्ट्रा। एक एग्रीमेंट होता है रिस्क करने का, मनी को रिस्क करने का। अब ये बैट मतलब होता है शर्त लगाना। मिडो मतलब होता है कवर्ड विद ग्रास। सेकंड नंबर यहाँ पे डाल दो आप। देखो पहला है ना, अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास, उसमें दो नंबर लिख दो। सर्च मतलब होता है कुछ ढूंढना। एंड अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। अब यहाँ पे सेकंड नंबर वाले पे 3 लिख दो। ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, चमकना, है ना। तो यहाँ पे ये फोर्थ नंबर वाला है ना, ये लास्ट वाला है ना, देखो, शाइन विथ अ ग्लीम दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ब्राइट टू फेंट, इस पर नीचे लिखेंगे 4 नंबर। विजडम मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, कुछ करने की एबिलिटी या सेंसिबल डिसीजन करने की एबिलिटी, ठीक है। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता। यहाँ पे देखो नीचे फिलिप्स हैं, कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिडल्स आ जाएगा फर्स्ट नंबर में, है ना। रिडल्स पे 1 नंबर लिख देना। अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, सेकेंड नंबर में मार्बल आएगा। द टाउन चाइल्ड इज अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ इन द टाउन, अनहैप्पी आएगा थर्ड वाले में। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी आएगा फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाले में आएगा कंट्री, द कंट्री चाइल्ड इज अनहैप्पी इन द कंट्री। अब यहाँ पे देखो सी वाला है ना, इसमें क्या है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। एग्जाम में क्या होता है, ये वर्ड लिखे हुए आएंगे, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मेक द सेंटेंस का हेडिंग डाल के आप एग्रीमेंट लिखना, फिर लिखना वी मेड एन एग्रीमेंट। जैसे हिंदी में होता है ना वाक्य बनाओ, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है मेक द सेंटेंस। यहाँ पे देखो इन सर्च ऑफ का सेंटेंस मैंने बनाया, ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड। गिव अप होता है हार मानना, नेवर गिव अप मतलब कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अप्रोच मतलब है आई डिसाइडेड दैट बीइंग ट्रूथफुल वॉज द बेस्ट अप्रोच, कि हमेशा सच्चे बने रहना ही एक बेस्ट अप्रोच है। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, इट इज़ अ वंडरफुल डे। ओके बेटा, थैंक यू।